नमस्कारम। हम बेंगलोर में सन्निधि में नंदी और महाशूल की प्राण प्रतिष्ठा से अभी वापस आए हैं। और बेशक पूरा देश अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर उत्साहित है, यह सही है, क्योंकि लोग 500 से ज्यादा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और ये अब हो रहा है, इसलिए देश में जबरदस्त उत्साह है। ये सब किस बारे में है? एक देवता की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया एक ऊर्जावान या प्राणिक रूप को स्थिर करने के बारे में है, जो निर्धारित गुणों को बिखेरता है। जिन गुणों को हम देवता के रूप में मानते हैं, वो वही गुण हैं जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं और जिनकी कामना करते हैं। इन दिस सिविलाइजेशन दैट वी रेफर टू एज हिंदुस्तान, इस सभ्यता में जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, हम ईश्वर के नीचे उतरने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, बल्कि अपने भीतर उस संभावना को पोषित और विकसित करते हैं। इस प्रयास में अपने भीतर एक स्थिर आधार बनाना महत्वपूर्ण है, और इसे संस्कृत में अनुष्ठानम और दक्षिण भारत में अनुष्ठाना कहा जाता है, और हिंदी भाषी लोग इसे अनुष्ठान कहते हैं। ये हमारे भीतर दिव्य संभावना की नींव बनाने का एक प्रयास है, या इस शरीर को शुद्धिकरण प्रक्रियाओं और जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों के साथ एक जीवित मंदिर में बदलने जैसा है, जिससे शरीर को ईश्वर के रहने लायक बनाया जा सके। हम यहां जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें शामिल होने वालों को हमेशा उचित योग साधना दी जाती है। ये साधनाएं अपने भीतर स्थिर आधार बनाने का एक तरीका है, जो उस देवता या ऊर्जा रूप को जो प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से प्रकट होता है, उसका निर्माण करने के लिए है। अनुष्ठानम की यह प्रक्रिया अलग अलग समय के लिए की जाती है। ऐसे साधक हैं जो इसे एक पूरे सौर चक्र के लिए करते हैं, जो कि 12 साल से बस जरा सा कम होता है। ऐसे लोग हैं जो 36 महीनों के लिए करते हैं। कुछ लोग हैं जो 90 दिन, 64 दिन, 33 दिन, 28, 21, 12, 11, 9, 7, 5, 3 दिनों के लिए अनुष्ठान करते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा के प्रकार पर निर्भर करता है। इन साधनाओं को डिजाइन किया गया है ताकि साधक अपनी स्मृति और इससे संबंधित भावनाओं की छापों से परे देवता की प्रकृति को आत्मसात करने में सक्षम हो सके, जिससे हमारे प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश पर प्रभाव डाला जा सके। इसका मतलब है कि भौतिक शरीर और मानसिक संरचनाओं से परे हम इस रूप और इसके गुणों दोनों की इस छाप को भीतर गहराई में ले जाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक दिव्य संभावना को अपने भीतर गहराई में सहेजना या बोना, ताकि जीवन की सामान्य अड़चने उस संभावना को नकार न सकें या उसे दूषित न कर सकें। इन वन सर्च फॉर लिबरेशन और मोक्षा, इंसान की मुक्ति या मोक्ष की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुष्ठान की प्रक्रिया केवल प्राण प्रतिष्ठा के समय ही मायने नहीं रखती, बल्कि ये व्यक्ति की सुविधानुसार किसी भी समय की जा सकती है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए आम बात थी जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजें करने की कोशिश कर रहे थे। वो खास अवधि तक अनुष्ठान करते थे। ये चीजें अच्छी तरह से दर्ज हैं कि राजा युद्ध या महत्वपूर्ण अभियानों में जाने से पहले अनुष्ठान किया करते थे, क्योंकि सफलता जो आपकी इच्छा के कारण नहीं मिलती है, बल्कि यह सुनिश्चित करने से मिलती है कि आपकी अपनी प्रवृत्ति या काम के निर्धारित पैटर्न आपकी राह में बाधा न बने। दुनिया की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप खुद एक समस्या नहीं है। अनुष्ठान एक शक्तिशाली तरीका है जिसमें व्यक्ति के विकास स्तर के अनुसार अलग अलग तरीकों को शामिल किया जाता है, या हर तरह के इंसान के लिए एक विशेष अनुष्ठान तैयार किया जा सकता है।
इसे कई तरीकों से निर्धारित किया जा सकता है, जैसे शारीरिक प्रक्रिया या सांस प्रश्वास द्वारा, या किसी विधि विधान या ऊर्जा या चेतना से जुड़ी प्रक्रियाओं द्वारा। हर इंसान को अनुष्ठान करने या इसे करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है, अगर वो एक तृप्त और प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं तो। यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस गौरवशाली सभ्यता के राष्ट्र प्रमुख राम पर अनुष्ठान कर रहे हैं, वो राम जिन्हें कई मायनों में एक न्यायपूर्ण, स्थिर और समृद्ध शासन का प्रतीक माना जाता है। केवल एक नेता को नहीं, बल्कि भारत के सभी नेताओं और नागरिकों को राम राज्य या एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए अनुष्ठान करना चाहिए जो नियमबद्ध हो, या एक ऐसा राष्ट्र जो सिद्धांतों और नियमों पर आधारित हो, कानून मानने वाला राष्ट्र हो, जिसे हम धर्म कहते हैं। एक शब्द के रूप में धर्म को आम मान्यता के हिसाब से रिलीजन के रूप में समझ लिया गया है, जबकि धर्म का मतलब है नियम। यहां पर कई तरह के धर्म थे। राजा के लिए राजधर्म, परिवार में रहने वाले लोगों के लिए गृहस्थ धर्म, गुरुओं के लिए गुरु धर्म, कई तरह के धर्म होते थे अलग अलग कार्यों के लिए। यानी कि वो नियम, सिद्धांत और नीतियां जो बताते हैं कि कोई भूमिका आपको किस तरह से निभानी चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण धर्म है स्वधर्म, वो धर्म जो खुद आपके बारे में है, वही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और ये प्रधान हो गया है और आज दूसरे धर्मों के बारे में चर्चा नहीं की जा रही। तो राम राज्य का क्या मतलब है? क्या इसका मकसद फिर से धनुष बाण वाले युग में जाना है? नहीं, ये मूल्यों के बारे में है, उस बुनियादी नीति के बारे में जिसे आपको धारण करना चाहिए। अगर दूसरे लोग आपके प्रभाव में आते हैं तो एक ऐसे लीडर जो लोगों की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशी को किनारे रख देते हैं, ये हैं राम। जन कल्याण के लिए अपनी निजी इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार हैं, ये हैं राम। जो हर तरह की बुराइयों का समाधान समभाव और शालीनता से करते हैं, ये हैं राम। जो कानून का शासन या धर्म की स्थापना के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, ये हैं राम। खुद को बेहतर बनाने की निरंतर चेष्टा, ताकि अपने जीवन के हर पल में बेहतर सेवा दे सकें, ये हैं राम। और अगर लीडर्स की ऐसा बनने की अभिलाषा हो, अगर वो इन गुणों पर अनुष्ठान करें, तो राम राज्य होगा। जब मैं लीडर कहता हूं तो केवल राजनैतिक या मिलिट्री लीडर्स के बारे में मत सोचिए, या वैसा कोई। अगर आपके पास एक भी जीवन है जिसे आप प्रभावित कर सकते हैं, अगर आपका प्रभाव एक व्यक्ति या दस व्यक्ति या लाखों या करोड़ों लोगों पर है, अगर आप में किसी दूसरे जीवन को प्रभावित करने की और उस पर असर डालने की क्षमता है, तो आपको इन पांच सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, और जहां पर भी आप हैं वहीं आपको राम राज्य बनाना चाहिए, यही इसका मतलब है। लीडर केवल वो नहीं है जो ऊपर बैठा हुआ है, कोई निर्वाचित व्यक्ति या राजा या मिलिट्री लीडर या बिजनेस लीडर, हाँ ये उन सबके लिए जरूरी है। पर महत्वपूर्ण ये है कि हम समझें कि लीडरशिप का मतलब है कि हमारे पास किसी दूसरे के जीवन को बदलने का अवसर है, चाहे वो एक हो या एक करोड़, सवाल वो नहीं है। आइए सब मिलकर राम राज्य का सपना साकार करें। Ram 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 Ram